बहुत अच्छा, कितना मजा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम घूम रहे हैं मसूरी, ये देखिए। वैसे मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बता ही रखा है कि हम आ रखे हैं मसूरी दीदी के घर। यहाँ देखिए, ये मसूरी का व्यू, पीछे देखो कितनी बारिश हो रही है, कोहरा भी लगा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और हम मार्केट में घूम रहे हैं माल रोड पर, तो आप भी घूमें हमारे साथ, देखें वीडियो में कि कैसा कैसा हो रहा है यहाँ का मौसम, और बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है आपको। आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि मैं किसी के घर गई थी, अभी पूरा तो नहीं दिख रहा है साड़ी का लुक, पर जितना दिख रहा है मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि मैं किसी के घर गई थी, इसलिए ये देखिए। फिर हम निकलने लगे घूमने के, थोड़ा सा काम था, बस थोड़ा सा घूम लिए, मार्केट वर्के घूमते हैं, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। ये मेरे पति देव को कुछ काम था बैंक में, तो ये SBI तक गए थे, तो मैं के पीछे पीछे चल रही हूँ। आज काफ़ी जाम सा है, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, हर जगह भीड़ हो रही है बहुत, क्योंकि कल छुट्टी है और आज सैटरडे है, तो सैटरडे को यहाँ होती है भीड़, सबकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो इसलिए थोड़ा भीड़ रहती है। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है। रिकी कॉटेज, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है डेकोरेशन के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है डेकोरेशन के लिए। देखती हूँ मैं अंदर क्या क्या है। और आपको कैसा लग रहा है चंडीगढ़ वालों? उत्तराखंड के हैं? नहीं, कहाँ से हुए उत्तराखंड के? उत्तराखंड के तो हमें, रहते तो चंडीगढ़ में ही हूँ, इतनी गर्मी में। उत्तराखंड वाले तो हमें, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी वादियों में। इनका ननिहाल भी यही का है। आज मैं ससुराल वालों के यहीं घूम रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहू वाला अवतार रखा है मैंने। साड़ी वाड़ी पहन के घूम रही हूँ। बहुत देखो कैसे हो रहा है, भीड़ भी हो रही है, अब धीरे धीरे ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए। इतना खतरनाक कोहरा लगा हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी टाइम 3 बजे, वही तो, और अब हमें किसी के घर भी जाना है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं घूमने के लिए मसूरी में अपने मम्मी पापा के साथ। बारिश हो गई है शुरू, छाता निकालिए पतिदेव। हम गए थे अभी मामी जी के घर, उन्होंने हमें छाता दिया क्योंकि आते थे में बारिश हो गई थी। बस कभी रुक जाती है कभी हो जाती है। ये 15 अगस्त मना रहे हैं, इस खुशी में यहाँ बलून लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो भीड़ बढ़ ही रही है ना? पतिदेव कुछ शॉपिंग करा दो बढ़िया सा। कल आपने 3 सूट ऑलरेडी ले चुके। ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, मुझे कुछ भी नहीं दिलाते हैं। Thank you.
बारिश हो गई बहुत तेज, मैं तो वीडियो जैसे तैसे बना रही हूँ छाते के नीचे। हाय हाँ बहुत मूसलाधार बारिश हो गई है। ये और मैंने साड़ी पहनी है ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम घूम रहे हैं और मैंने पहनी है साड़ी दोबारा से, क्योंकि मैं दूसरी जगह गई थी, जो साड़ी मैंने पहले पहनी थी उसमें मैं भीग गई थी। और अब तो थोड़ा मौसम सही है, पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पर अब ठीक है, तो अभी सही है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। रात को बहुत अच्छा लगता है मसूरी में घूमना, मज़ा आता है काफ़ी। ये मेरे पति देव आ रहे हैं पीछे से, हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए, हंसती मस्ती करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगाऊं, देखो आज मेहंदी वाला बैठता है या नहीं। वैसे तो घर पे बुलाया था, अगर वो बैठे होंगे तो वहीं लगा लेंगे, और नहीं होंगे तो फिर घर पे बुलाएंगे उनको फोन करके। यहाँ पे बहुत अच्छी चाय बन रही है कुल्लड़ वाली, और गाने चल रहे हैं, अच्छा सा रेस्टोरेंट है, जा सकते हो आप। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना मजा आ रहा है? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे मौसम या मेरे साथ? हमारे साथ भी मौसम। दुकानें भी नहीं है ना, थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अभी नहीं है ठंडा, अभी तो ठीक है, थोड़ा सा मौसम बढ़िया है मस्त वाला। रात को घूमने का अलग ही मज़ा है, मसूरी का तो खैर पहाड़ों में रानी में घूमने का बहुत बढ़िया है। अगर दिन से थोड़ा मौसम सही होता तो बहुत कहीं और भी जा पाते हम। यह है ट्रॉली जो जाती है गनील, चल रही है शायद, ये देखो ऐसे जाएगी। अब अंधेरा है थोड़ा, तार नहीं दिख रही है, देखो जाते हैं। वाह जा रही है ट्रॉली नीचे, ये देखिए इस तरह आ रही है नीचे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये नीचे आ रही, देखिए ऐसे आ रही है। और यहाँ पे चल रहा है मेरा थोड़ा सा फोटोशूट मस्ती के साथ। टाइम कम है इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, हम ऐसे घूम लेते हैं थोड़ा। ये है शहीद स्मृति स्थल, जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ था तब का, पर अब अच्छा बना दिया है काफी। ये देखो फोटो वोटो खींचने के लिए अच्छा है, ये सुंदर सा, सारे लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं यहाँ पे भी। चलो पतिदेव फोटो खींचते हैं, हम भी थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे खींच रही मैं फ़ोटो, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे, यहाँ पे फ़ोटो भी काफ़ी सुंदर आ रही थी, काफ़ी सारे लोग खिंचवा रहे थे यहाँ पे। आप लोग भी जाइएगा मसूरी तो जरूर खींचिएगा, यहाँ पे बहुत सुंदर आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे बैकग्राउंड देखिए आप कितना सुंदर है, लाइटिंग लगा के काफ़ी अच्छा बना रखे हैं। फ़ोटो हमने खींच ली है, अब हम चलते हैं आगे कुछ और नया देखते हैं। क्या लेना है?
हम आए मेहंदी लगाने थे पर यहाँ पे तो ऊपर की साइड यहाँ पे नहीं बैठे हैं जहाँ पिक्चर पैलेस की साइड में है बापू डेडी मेरे को एक लोकेशन बताओ मैं आगे आया था। अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी क्योंकि फाइनली मेहंदी वाले मिल गए हमको भैया। तो अब मैं लगाती हूँ मेहंदी। अब देखिए आप मेरी मेहंदी कैसी कैसी लगती है। शूट मेरे पति देव करेंगे इसीलिए इनको मैं लेकर आई हूँ, ये शूट करेंगे वीडियो। तो अब देखिए आप कैसी कैसी लगती है मेरी मेहंदी क्योंकि मैं बहुत टाइम से लगाना चाह रही थी, तीस को भी नहीं लगाया, बड़ी मुश्किल से आज फाइनली लग रहा है। तो देखते हैं आप कैसी लगती है। यहाँ पे लग रही है मेरी मेहंदी, ये देखिए। ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था जहाँ पे मेहंदी लग रही थी, इस वजह से थोड़ा ही कर पाए। ये देखिए ऐसी लग रही है मेरी मेहंदी, काफ़ी अच्छी लगी थी। मेरी मेहंदी लग गई है देखिए ऐसी, बहुत टाइम से लगाना चाह रही थी, फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मेहंदी लग गई है। और हम घूम रहे हैं मार्केट में और ठंडा भी लग रहा है मेहंदी लगा के क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है मेहंदी लगा के। और अब मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, असली ब्लाउज पहन के घूम रही हूँ मैं बस। और मुझे ठंड लग रही है। अब देखो अब क्या क्या करते हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं आगे वीडियो में। अब हो गई है भीड़ थी क्योंकि हो गया है भीड़ शुरू हो गई। देखिए जो लोग पहले से आए थे वो होटल से निकल गए क्योंकि सब पहले बारिश के वजह से सारे अपने रूम पर बैठे थे। अब मौसम सही हो गया, अच्छा हो गया, अब सब देखो घूमने लगे हैं। वैसे तो मार्केट यहाँ पे 9 बजे तक का टाइम ही था पर अब तो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा लेट तक ही चलेगा क्योंकि कल 15 अगस्त है, छुट्टी का डे है इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और आज सैटरडे करने आए और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। भीड़ 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 यहाँ पे, ये ऑमलेट वाले हैं, ये काफी अच्छा ऑमलेट बनाते हैं ये और फेमस है। अरे कुत्ता देखा के वो तो कुत्ता मैंने देख लिया। मोमोज वाले दुकान आने वाली है, ये हमारी शॉप है, यहाँ पे आइएगा शूज वगैरह ले लीजिए। अभी हम नहीं जा रहे दुकान, अभी हम जा रहे हैं ये देखिए सुबह का व्यू। अभी हो रहा है सुबह 7 बज रहे हैं अभी। ये दीदी की बालकनी से दिखता है, घर के सामने ही चर्च है, वहाँ पे माल रोड पे ही है। काफ़ी सुंदर व्यू है देखिए। और अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि सुबह के अभी 7 ही बज रहे हैं, इसलिए मसूरी में सब लेट ही उठते हैं।
क्योंकि सब लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। तो ये देखिए अभी खाली खाली सा है, काफी सुंदर लगता है। अब हम जा रहे हैं घर मसूरी से। ये देखिए क्योंकि आज मौसम था सही और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं 8 बजे घर के लिए, देहरादून के लिए। ये देखिए मौसम सही था, अब धूप आने लग गई है, दोबारा से मौसम खराब होने वाला है बारिश में, तो इस वजह से हम जल्दी निकल गए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।